दूरदृष्टि संपन्न नेतृत्व में जलसेचन विकास रे द्रुत अग्रगति करिछु। मौसुमीर अनिश्चितता कृषि को सुरक्षित रखापी आगामी वर्ष मानक जलसेचन विकास को गुरुत्व दिजाव। 2022-2023 आर्थिक वर्ष रे अतिरिक्त 2,80,000 हेक्टर जमी को जलसेचन सुविधा जोगाई फसल उत्पादन एवं उत्पादकता रे उन्नति पाई आम लक्ष्य रखिछु। वर्तमान समय रे जलवायु परिवर्तन सबुठ बड़ आह्वान। जलवायु परिवर्तन द्वारा बढ़ुवा प्रतिकूल प्रभाव प्रशमन, भूपृष्ठ जलर संरक्षण एवं जलधारण क्षमता वृद्धि आम सरकार प्राथमिकता अटे। आम अद्यावधि 30 इनस्ट्रीम स्टोरेज स्ट्रक्चर IESS निर्माण हाथ को नहींचु एवं 2022-2023 1,044 कोटी टंका व्यय अटकल सुलहटी नूतन इनस्ट्रीम स्टोरेज स्ट्रक्चर करने योजना रखिचु। निर्माणाधीन बृहद एवं मध्यम जलसेचन प्रकल्प गुड़ी संपूर्ण करवा आम सरकार प्राथमिकता। निर्दिष्ट समय सीमा मध्य प्रकल्प गुड़ी संपूर्ण करने खोला केनाल परिवर्ते भूतल पाइप लाइन वितरण व्यवस्था ग्रहण करतीत अधिक अंचल जलसेचित करने निकट अतीत आम कि नूतन बृहद एवं मध्यम जलसेचन प्रकल्प यथा सांदुल कुसुमी सोनो तुरीगुंठा कार्य आरंभ कर। आम 2022-23 आर्थिक वर्ष रे कोरापुट जिले में झंझावती प्रकल्प कार्य आरंभ करने को योजना रखिचु। महानदी चित्रोत्पला दीप जलसेचन एवं देव प्रकल्प खूब शीघ्र जनसाधारण उत्सर्गीकृत हेबो। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY अधीन कार्यकारी होता EBP प्रकल्प गुड़ी संपूर्ण करने निम्ते 2,493 कोटी टंका व्यवराद कर। राज्य पांठि प्रचलित जल क्षेत्र भित्तिभूमि उन्नयन कार्यक्रम WSIDP अधीन अन्यान्य निर्माणाधीन एवं नूतन प्रकल्प गुड़ी संपूर्ण करने 1,022 कोटी टंका व्यवराद कर। व्यतीत बन्या नियंत्रण एवं जल निष्कासन कार्य निमन्ते 968 कोटी टंका व्यवराद कर। 2013-14 वर्ष ठार् राज्य ढीप जमी को जलसेचन जोगाई देवाई पार्वतीगिरी बृहद उठा जलसेचन प्रकल्प कार्यकारी होसूँ। अतिरिक्त 2,63,000 हेक्टर जमी को जलसेचन जोगाई देवा लक्ष्य रे राज्य सरकार आसंता 5 वर्ष मध्य विभिन्न बृहद उठा जलसेचन प्रकल्प 10,759 कोटी टंका व्यय करिवार लक्ष्य रखिछन्ति। एही योजना अधीन 20 गोटी निर्माणाधीन प्रकल्प गुड़ी को संपूर्ण करने 2022-23 आर्थिक वर्ष 485 कोटी टंका व्ययबराद कर। 2022-23 आर्थिक वर्ष रे अतिरिक्त जलसेचन क्षमता सृष्टि निमन्ते जलनिधि योजना पर RIDF सहायता 234 कोटी टंका व्ययबराद कर। गभीर नलकूप निर्माण पर राज्यर कृषक मैंने बहुल भाव दाबी उपस्थापन कर दृष्टि रखी 2022-23 आर्थिक वर्ष 12,500 गभीर नलकूप खनन निमन्ते डीप बोरवेल सेच कार्यक्रम विजु कृषक विकास योजना DBSK BKVY अधीन 400 कोटी टंका बराद कर। व्यतीत 2022-23 आर्थिक वर्ष रे विजु कृषक विकास योजना अधीन 1,500 गोष्ठी उठा जलसेचन पॉइंट स्थापन पर 422 कोटी टंका व्यय बराद हो। जलर सठिक व्यवहार द्वारा यार गुणवत्तार उन्नति आणवास एक्वाटिक इकोसिस्टम को बजाय रखा एवं पानी जलर उत्स को सुरक्षा प्रदान कर। जल व्यवहार दक्षतार सुधार आणवा आम सरकार प्राथमिकता। जलर सम वितरण सुनिश्चित करने निम्ते सेचांचल उन्नयन और जल प्रबंधन योजना कमांड एरिया डेभलपमेंट प्रोग्राम एंड व्वाटर मैनेजमेंट एक्टिविटे 200 कोटी टंका व्यय बराद कर। क्षेत्र में जल उपलब्धता वृद्धि एवं केनाल जल संचालन क्षति ह्रास करने केनाल लाइनिंग सिस्टम एंड सिस्टम रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम अधीन 440 कोटी टंका व्यवराद कर। पुरातन सेच प्रकल्प गुड़िकर आधुनिकीकरण तथा केनाल पुनरुद्धार पर निम्ते नवकृष्ण चौधरी सेच उन्नयन योजन 50 कोटी टंका व्यवराद कर। कृषि उत्पादन को त्वरान्वित करने तथा एथिरे विविधता आणवास यार जलवायु सहनीयता बढ़ावा निम्ते राज्यर किसी मनोनीत जिले में ओडिशा इंटरग्रेटेड इरीगेशन प्रोजेक्ट फॉर क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर योजना कार्यकारी हो। 2022-2023 आर्थिक वर्ष योजना अधीन 538 गोटी क्षुद्र जलसेचन प्रकल्पर नवीकरण और पुनरुद्धार पर 300 कोटी टंका व्यय बराद कर। आयकट पुनरुद्धार पर आम सरकार अचल उठा जलसेचन प्रकल्प पुनरुद्धार योजना प्रस्तुत कर। ए जावद आम 7,061 गोटी अचल उठा जलसेचन प्रकल्प पुनरुद्धार कर सारी।
2022 2023 आर्थिक वर्ष रे 195 कोटी टंका व्यय रे 1000 अचल उठा जलसेचन पॉइंट रो पुनरुद्धार करबा लक्ष्य रखा जाइछि। कृषि ऋण, कृषि क्षेत्र ऋण, माननीय बाचस्पति महोदय, राज्य सरकार नाबार्ड सहभागिता रे भाग चासी विशेष कर भूमिहीन कृषक मानको आनुष्ठानिक ऋण प्रदान करबा पई बलराम योजना आरंभ करिछन्ति। यही योजन 1,00,000 जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप माध्यम रे 5,00,000 कृषक को अंतर्भुक्त करार लक्ष्य रही। कालिया योजना अधीन चाषी मानक 50,000 टंका पर्यंत बिना सुधर कृषि ऋण उपलब्ध करवाई आम सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध। आम संकल्प मुताबक चाषी मानक 50,000 टंकर 3,00,000 टंका पर्यंत ऋण राशि शतकड़ा 2% रिहाती सुधर जोगाऊ। एथिपाई चाषी मानक सुध रिहाती इंटरेस्ट सबवेंशन योजन 893 कोटी टंका व्ययबराद प्रस्ताव रखुच्छे। समय संस्था गुड़िक समग्र देश में प्रदान कर कृषि ऋण मात्र 17% व्यय बहन करुवा बेले आम राज्य में शतकड़ा 60% कृषि ऋण समवाय संस्था गुड़िक माध्यम रे चाषी मान उपलब्ध होता है। समवाय संस्था मान आर्थिक सहायता निम्ते 37 कोटी टंका एवं समवाय बैंक मान साधारण अंश सहायता इक्विटी सपोर्ट पर 150 कोटी टंका व्यय बराद प्रस्ताव रखुच्छे। से हीपरी राज्य में अणधान शस्य क्रय निमन्ते ओडिशा राज्य समवाय मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड को 2022-2023 आर्थिक वर्ष रे 100 कोटी टंकार कर्पस पांठि प्रदान करा जायछि। या व्यतीत मु 2022-2023 वर्ष रे सार एवं विहीन किणा पई सुधमुक्त ऋण प्रदान बाबत को 200 कोटी टंका व्ययबराद प्रस्ताव रखुच्छे। फसल हानि द्वारा प्रभावित होता हिताधिकारी चिन्हट वैज्ञानिक पद्धति ओरसाक सहायतार स्पेस इमेजिंग टेक्नोलोजी व्यवहार करा जाउछ। विभिन्न प्राकृतिक विपर्यय एवं पोकजनित फसल हानि क्षेत्र में बीमा अंतर्भुक्त चाषी मान को आर्थिक सहायता जोगाई देवा निमन्ते प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कार्यकारी हो 2022-2023 आर्थिक वर्ष रे चाषी मान प्राप्य निर्धारण करी सेमान को त्वरित सहायता और पर्याप्त क्षतिपूरण प्रदान निमन्ते 600 कोटी टंका व्ययबराद करा जाइछि। अमल परिवर्ती परिचालन, राज्य सरकार द्वारा धान तथा खाद्य शस्य संग्रह बजार दर को सुनियंत्रित करवा आर्थिक दृष्टि अनग्रसर जनसाधारण निकटने सुलभ मूल्य PDS माध्यम रे खाद्य शस्यर उपलब्धि सुनिश्चित कराई थाए। धान संग्रह मूल्य PPAS पोर्टाल माध्यम रे ओडिशा राज्य समवाय बैंक रो कोर बैंकिंग व्यवस्था जरिया कृषक मान बैंक खाता रे सीधा सड़क जमा करा जाउची जहाकि समग्र देश में अनन्य अटे। अणधान शस्य यथा मुग बिरी हरड़ चीनाबादाम एवं सूर्यमुखी इत्यादि फसल उचित मूल्य चाषी मान जोगाइबा राज्य में नाफेड सहभागित मूल्य समर्थन प्रणाली प्राइस सपोर्ट सिस्टम आरंभ हो। डाली और तैल जातीय शस्य संग्रह पर चाषी मान पंजीकरण निम्ते ई समृद्धि पोर्टाल आरंभ हो। मांडिया और बाजरा जातीय फसल मिलेट जलवायु सहनीयता एवं पोषक तत्व समृद्ध गुणर स्वीकृति स्वरूप मिलित जातिसंघ 2023 वर्ष को अंतर्जातीय मिलेट वर्ष भाव घोषणा कर DMF सहित समन्वय रक्षा कर 15 जिले में 85 ब्लॉक रे मिलेट चाष को प्रोत्साहन देवाई आम 2017 ओडिशा मिलेट मिशन आरंभ करूँ। चाषी मान को FPO मान जरिया संगठित कर मिलेट चाष को प्रोत्साहन देवाई 75 FPO को पंजीकृत कर मिलेट चाषी मान को मिलेट प्रोक्योरमेंट ऑटोमेशन सिस्टम MPAS माध्यम रे सहायता प्रदान करा मांड्या को एवं PDS और ICTS अधीन चलुवा पोषण कार्यक्रम अंतर्भुक्त कर प्रयास को स्वीकृति स्वरूप 2021-22 ICAR IIMR और FAO पोषक अनाज एवार्ड अंतर्गत बेस्ट मिलेट प्रमोटिंग स्टेट एवं 2019 स्कॉच गोल्ड एवार्ड द्वारा ओडिशा पुरस्कृत हो। 2022-23 आर्थिक वर्ष रे एही मिशन निमन्ते 362 कोटी टंका व्ययबराद करा जाइछि। आनुषांगिक कार्यक्रम, गोपालन दुग्ध चाष कुकुड़ा चाष मत्स्य उत्पादन पशुपालन भली अणकृषि कार्यक्रम कृषक मान पर्याप्त आय वृद्धि रे प्रमुख भूमिका ग्रहण करथाय एवं ए क्षेत्र रे आम सरकार प्रमुख ध्यान दे आसुछन्ति। आम सरकार आनुषांगिक क्षेत्र को कृषक महिला स्वयं सहायक गोष्ठी एवं कृषि उद्योगी मान विकास दिगरे मुख्य संचालक भाव चिह्नट करिछन्ति। तेणु मत्स्य चाष और पशुपालन क्षेत्र में व्ययबराद जथेष्ट वृद्धि करी 1,658 कोटी टंकार प्रस्ताव रखिचु जहाँ गत वर्ष तुलन में 17% अधिक अटे। मत्स्य चाष पर्याप्त निजुक्ति एवं स्वरोजगार प्रदान रे मत्स्य चाषर विकास गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथाय। मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता वृद्धि लक्ष्य रे आम सरकार मत्स्य चाष को बहुल मात्रा रे प्रोत्साहित करुछन्ति। सघन आभ्यंतरीण माछ चाषर उन्नति निमन्ते 182 कोटी टंका व्ययबराद करा जाइछि।
राज्य में नूतन माछ टांकी और पोखरी खनन मध्यम आभ्यंतरीण क्षेत्र में सघन माछ चाष निमित्त माछ चाषपी नुआ पोखरी खोला योजन 98 कोटी टंका व्ययबराद करा जाइछि। या माध्यम रे 4000 रु अधिक मत्स्य चासी माननकु अतिरिक्त जलाशय सृष्टि पई सहयोग प्रदान करा जीव। एतद् व्यतीत माछ चासी माननकर दक्षता विकास प्रशिक्षण सशक्तिकरण एवं सचेतनता कार्यक्रम पई 5 कोटी टंका रे व्ययबराद करा जाइछि। मत्स्य भित्तिभूमि उन्नयन पांठि फिशरी इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड माध्यम रे उभय सामुद्रिक एवं आभ्यंतरीण मत्स्य चासी क्षेत्र में मत्स्य चाष भित्तिभूमि सुविधा सृष्टि एवं माछ उत्पादन वृद्धि निमन्ते 25 कोटी टंकार व्ययबराद करा जाइछि। आगुआ जाँला प्रयोजन और पालन पर सरकारी मत्स्य फार्मर विकास मत्स्य अवतरण केन्द्र आधुनिकीकरण एवं राज्यर सहरांचल आधुनिक मत्स्य बजार निर्माण पर बजेट्रे 100 कोटी टंका व्ययबराद करा जाइछि।